हेलो बच्चों, चलिए तो हम लोग देख चुके थे डेविएशन के बारे में, है ना। जब कोई सिंगल मिरर हो, सिंगल मिरर मतलब उससे सिंगल रिफ्लेक्शन हो, आफ्टर सिंगल रिफ्लेक्शन तो क्या डेविएशन होता है, या आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपको दो मिरर होगा और वो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझा चुके थे, जब एक ही रिफ्लेक्शन हो, आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, या जब सिंगल मिरर का यूज हो तो डेविएशन जो होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस 2 I। ये I क्या है, इंसिडेंस एंगल, है ना। जब दो मिरर हो और उनके बीच कुछ एंगल हो थीटा, क्या हो, कुछ एंगल हो थीटा, तब जाके जो नेट डेविएशन होता है वो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये थीटा क्या है यहाँ पे बताइए, ना तो इंसिडेंस एंगल है ना रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये थीटा जो है एंगल बिटवीन टू मिरर, ये दो मिरर जो है वो दो मिरर के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो वो एंगल है थीटा। चलिए, ये चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। तब इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन देते हैं, ये इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है ना। क्वेश्चन है, इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन फाइंड आउट डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है ना। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन उसी वही पिछले क्लास के बेस्ड है। टू प्लेन मिरर आर सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, देन फाइंड आउट नेट डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, है ना। हमको दो मिरर है, इस तरह से दो मिरर रखा हुआ है कि उसके बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो आपको बताना है डबल रिफ्लेक्शन के बाद, अब दो मिरर है तो इसमें दो रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो दो रिफ्लेक्शन के बाद जो होगा नेट डेविएशन, वो डेविएशन कितना होगा, ये आप निकालिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर आंसर को कमेंट कीजिए। चलिए, अब स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो पॉइंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हाँ, नोट देके लिख लेते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन में ही इसमें लिखिए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ,
कहीं भी किसी सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो जो रे आ रहा है उसका जो स्पीड होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, उसका जो वेवलेंथ होगा, वो चेंज नहीं होता है। वो क्या होता है? चेंज नहीं होता। इसका रीजन है, वो इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपको बताया सेम मीडियम में, जब रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिखाए थे तो याद कीजिए, लाइट बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम। मीडियम क्या होता है? सेम रहता है। मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं। मीडियम जब चेंज नहीं होगा तो स्पीड भी चेंज नहीं होता। वहीं आगे जब हम लोग एक फिनोमेना देखेंगे रेफ्रैक्शन, वहाँ पर चेंज हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड चेंज हो जाएगा। स्पीड क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो आपको फिलहाल इतना ध्यान में रखना, रिफ्लेक्शन में आपका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ये तीनों क्या होता है? बिल्कुल ही सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, ये कोई सरफेस है, ये कोई इंसिडेंट रे, ये क्या है? कोई इंसिडेंट रे। अब लाइट क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये इसका जो स्पीड होगा वही स्पीड इसका होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद स्पीड सेम रहता है। इस रे का जो वेवलेंथ रहेगा वही इसका वेवलेंथ रहेगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सेम रहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक और आवर आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येल्लो ग्रीन कलर है ना, या सिंपल येल्लो कलर लिख लीजिए। आवर आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येल्लो कलर है ना, जिसका वेवलेंथ होता है 555 नैनोमीटर। देखिए, हमारा जो आँख होता है ना, वो येल्लो कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी स्कूल बस वगैरह होता है वो जनरली येल्लो कलर का दे, येल्लो कलर होता है ना वो बस वगैरह में। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा आई उससे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो दूर रहे, जब दूर भी रहेगा तो हम लोग को वो इजीली विजुअल होगा, तो इसलिए। है ना, और दूसरा एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वायलेट एंड रेड कलर्स। रेड कलर ये हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। आप हेडिंग लगाइए नंबर ऑफ इमेज। देखिए, कोई दो मिरर है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अब इसका कितना इमेज बनेगा, है ना? अब अगर एक मिरर है तो क्या एक ही इमेज बनता है?
लेकिन जब दो मिरर को आप अलग अलग एंगल पे रखिएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है ना, बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करता है एंगल आप घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो किस एंगल पे कितना इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए पहला केस लीजिए, इसमें 360 डिग्री अपॉन थीटा। अच्छा ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मीटर, क्या है थीटा, एंगल बिटवीन टू मीटर, ठीक, 360 डिग्री माइनस अपॉन थीटा। मान लीजिए इसको डिवाइड करके कुछ आया, उसको हम एम मान लेते हैं, एन इसलिए नहीं माने क्योंकि एन को हम माने नंबर ऑफ इमेज है ना, एम मान लिया कुछ भी आया। अगर ये एम, अगर ये जो एम आ रहा है ये इवन नंबर है, क्या है, इवन है, तो दो ही आएगा, या इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म यानी एन जो होगा वो हो जाएगा एम माइनस वन, क्या हो जाएगा, एम माइनस वन। अच्छा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए अच्छा एग्जांपल देख ही लीजिए ना, 360 डिग्री अपॉन क्या कर लें, अपॉन 60 डिग्री। तो ये क्या है, मतलब इस तरह से कोई मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और आपको इस तरह से इस तरह ये दो मीटर, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब बोला जा रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना इमेज बनाएगा, टोटल कितना इमेज बनेगा, तो टोटल कितना इमेज बनेगा ये हम लोग कैसे देखें, सबसे पहले 360 अपॉन जो एंगल है वो डिवाइड कर दिए, कितना आएगा बोलिए, 6 आएगा। 6 जो है वो क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये इवन है, तो इवन है तो ये क्या है, ये एम का वैल्यू आया, क्या आया, एम का वैल्यू आया, तो एन जो हो जाएगा वो एम माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम माइनस वन। तो एम हमारा कितना आया, 6 - 1 = 5, तो एन इक्वल टू 5। तो टोटल इमेज कितना बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, जब इस एंगल पे दो मिरर को रखिएगा टोटल 5 इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए ये तो पहला केस हो गया, हम लोग दूसरा केस की तरफ चलते हैं। अच्छा जिसको नोट करना हो पॉज करके नोट कर लीजिए है ना, दूसरा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 360 माइनस वो दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उससे डिवाइड कर दें, कुछ आया डिवाइड करके, ये ऑड हो गया, ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया है ना। क्या हो गया, ये ऑड हो गया। जब ये ऑड हो जाएगा तो इसका दो केस होता है, इसका क्या केस होता है, दो। पहला तो आपको ये देखना है ये ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर पे है या नहीं है। बाइसेक्टर मतलब क्या, ये जो एंगल, ये जो मिरर है मिरर के बीचों बीच होना चाहिए, बीचों बीच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर। सपोज कर लेते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट से इसके इस पॉइंट पे एक रे खींचा जाए और ये एंगल अगर थीटा बाई टू है, ये भी एंगल थीटा बाई टू है, मतलब इक्वल एंगल पर डिवाइड हो जाए तो इसको बोलेंगे बाइसेक्टर, क्या है, बाइसेक्टर। अगर ये देखिए अगर ऑड आ गया, ऑड आ गया तो इसका दो केस होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऑन दी बाइसेक्टर हो या ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा नोट ऑन दी बाइसेक्टर, नोट ऑन दी बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो हो जाएगा एम माइनस वन, जैसे इवन के केस में होता था। लेकिन जब बाइसेक्टर पे नहीं हो तब जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो एम ही रहेगा, कितना रहेगा, एम रहेगा। ये चीज समझ में आया। अच्छा बाइसेक्टर मतलब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बाइसेक्टर पे है, ये एंगल थीटा है, अगर ये ओड आ जाएगा, ओड आ जाएगा तो इसका नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, एम माइनस वन। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होता, ऑब्जेक्ट कहीं इस तरह से दो मिरर होता, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होता, अब इसके बाइसेक्टर पे तो नहीं ना है, तो आगे है, ऊपर है, नीचे है, कहीं दूसरे जगह है, तब उस केस में इमेज जो बनेगा वो जितना डिवाइड करके ओड नंबर आएगा उतना ही इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन करा देते हैं ना, इसमें इसको नोट कर लीजिए, आपको बस ये ध्यान में रखना है
कोई भी दो मिरर के बीच हमको एंगल दिया रहेगा और हमसे ये पूछेगा इसमें टोटल कितना इमेज बनेगा, इसमें टोटल कितना इमेज बनेगा, तो उस जो एंगल दिया रहेगा उसको आपको 360 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना? 360 से डिवाइड कर देना। जितना आएगा, अगर वो इवन नंबर आ रहा है, डिवाइड करने के बाद अगर इवन नंबर आ रहा है तो सिंपल जितना इवन नंबर आया उनमें से एक माइनस कर दीजिएगा तो ये एन आ जाएगा। ये एन क्या बोलिए? नंबर ऑफ इमेज। एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, उसी तरह जब डिवाइड किए तो ओड नंबर को आएगा। ओड नंबर आ गया, देखेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल बाई सेक्टर पे है, अगर बाई सेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो एम माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम माइनस वन। जितना डिवाइड करके जो ओड नंबर आया था एम, उसमें से एक घटा दीजिए। मान लीजिए 7 आया तो एक घटा दीजिए, 6 आ हो जाएगा। अच्छा, अगर बाई सेक्टर पे नहीं है, ये रहा बाई सेक्टर, ये क्या है? बाई सेक्टर। अगर बाई सेक्टर पे नहीं, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं पे भी हो, तो ऑब्जेक्ट जो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितना डिवाइड करके आएगा ऑड नंबर उतना ही होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखिए। एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, है ना? देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय दीज टू मिरर। टोटल कितना इमेज बनेगा ये बताइए। देखिए क्या बोल रहा है। अब सिंपल, आप चाहे तो डायग्राम से ही बना सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्या है? दो मिरर के बीच का एंगल दिया, मतलब हमको क्या दिया हुआ? थीटा दिया हुआ। थीटा कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। तो आपको क्या बताया? नंबर ऑफ इमेज जब पूछेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा कर दिए। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए? 12 आ जाएगा। ये 12 क्या है? इवेन नंबर है या ऑड नंबर है? ये क्या है? इवेन नंबर है। अच्छा, इवेन ऑड बताने की ज़रूरत नहीं ना। इवेन नंबर उसको बोलते हैं, क्या याद आया या नहीं कि भूल गए, जिसके लास्ट में आपको 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, है ना, इसको इवन नंबर बोलते हैं। और ओड नंबर उसको नंबर बोलते हैं जिसके लास्ट में 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ओड नंबर बोलते हैं। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अब ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेज एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एम माइनस वन। यही वैल्यू तो एम माने थे इसको, एम जितना डिवाइड करके आया था, डिवाइड करके कितना? 12। तो नंबर ऑफ इमेज यानी एन इज इक्वल टू 12 माइनस वन इज इक्वल टू 11। टोटल 11 इमेज बनेगा अगर आप दो मिरर को 30 डिग्री के एंगल पर रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या स्टार्ट करते हैं? स्फेरिकल मिरर। हेडिंग लगाइए स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर को हम लोग कर्व मिरर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या होता है, किसी भी होलो स्फीयर पे, है ना, किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट आप कट कर लीजिए। ठीक है, एक पार्ट को कट करके सेपरेट कर लिए, उसका अगर आप आउटर साइड को पॉलिश कर दीजिए तो इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा, तो भी ये कर्व मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। या उस कर्व पार्ट को आप क्या कीजिए, इनर साइड पॉलिश कर दीजिए तो आउटर साइड से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है और कर्व मिरर है। अगर आपको, अगर आप रिफ्लेक्शन जो होगा वो इनर साइड से हो रहा, तो ऐसा कर्व मिरर को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्शन जो होगा वो आउटर साइड से होगा तो ऐसे कर्व मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है क्या, है ना, स्फेरिकल मिरर को हम लोग सिंपली कर्व मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व मिरर।
इसमें लिख लीजिए, लाल से लिख देता हूँ, सही से नहीं चल रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर लो स्फीयर, या ये भी बोल सकते हैं, है ना, या होलो स्फीयर, होलो स्फीयर इज कट टू फॉर्म अ स्फेरिकल मीटर, स्फेरिकल मीटर, है ना। इसमें फिर लिख लीजिए इफ अभी सब समझाते हैं डायग्राम से। इफ रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम इनर साइड, रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम इनर साइड, तो ऐसे कर्व मीटर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मीटर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मीटर। देखिए कोई ये होलो स्फीयर है, क्या है ये, एक होलो स्फीयर है, इसका हम एक छोटा सा पार्ट कट कर लीजिए, ठीक है, इसको सेपरेट कर लीजिए। इसको कट करने के बाद जो सेपरेट कीजिएगा कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, क्या देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, इसको देखिए कट कर ली। अब इसका बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम इनर साइड, मतलब इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा था, बाहर क्या कर दिया, पॉलिश करेंगे तब तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा मीटर दिख जाए तो इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, कॉनकेव मीटर। इसको दो लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से हो उसको कॉनकेव मीटर बोलेंगे, या जो बाहर की तरफ पॉलिश हो उसको कॉनकेव मीटर बोलेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, इसी में इफ रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम आउटर साइड देन द कर्व मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसी का, अब हम चाह रहे नहीं बाहर की तरफ पॉलिश नहीं करें, अंदर की तरफ पॉलिश करें, ठीक है, अब अंदर की तरफ पॉलिश कर दीजिए या ऐसे ही बना देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। अब रिफ्लेक्शन किधर होगा, अब बाहर की तरफ से हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये क्या एक कर्व से एक स्फीयर से मिलके बना हुआ, और ये क्या, ये भी क्या स्फीयर से मिलके बना हुआ, अब स्फीयर के बाहर की तरफ से आउटर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वह कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अंदर समझ में आ गया, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे। अगर जो मिरर है ना कर्व मिरर, अब हम लोग प्लेन मिरर खत्म हो चुका, अब बात करेंगे कर्व मिरर का, सिर्फ जो मिरर में रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, और जिस मिरर में रिफ्लेक्शन आउटर साइड से हो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कुछ कुछ टर्म होता है ना जो हम लोग को कर्व मिरर में पढ़ना है और समझना है, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो ये सब चीज़ पता रहेगा तभी अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। जैसे कि पोल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर मिरर इक्वेशन बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, फिर जाके हमारा
ये मिरर वाला पार्ट, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर ख़त्म हो जाएगा न्यूमेरिकल करने के बाद। चलिए अब लिख लीजिए सम टर्म्स रिलेटेड टू, हम लोग कर्व मिरर बोलते हैं या स्फेरिकल मिरर, क्योंकि वो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में होगा, है ना, तो वही चीज़ है। हेडिंग लगाइए सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। Some terms related to spherical mirror, है ना। चलिए कोई सा भी स्पेरिकल मिरर मार लीजिए। हम लोग स्पेरिकल मिरर कौन सा पढ़े हैं, दो ही तो पढ़े हैं, एक कॉन्केव मिरर दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है हम कॉन्केव मिरर का एग्जांपल ले लेते हैं, आप चाहिए तो कॉन्वेक्स ले लीजिए, हम लोग को समझना है कुछ चीज़, है ना, बस इसलिए। अब देखिए क्या होता है, अभी सब के बारे में डेफिनेशन भी लिखा देंगे। इसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं पोल, और ये जो एक्सिस है जो, और देखिए ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं, ये किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है, कुछ इस तरह से स्फीयर होगा जिसका इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर हम लोग मिरर बनाए। अब उस स्फीयर का कुछ सेंटर तो होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए और ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला आइडिया लगाइए प्रिंसिपल एक्सिस, क्या प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे किसको, है ना। देखिए इट इज़ द लाइन दैट ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में जोड़ता हो उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पोल क्या होता है ना, अभी लिखा है ये जो होता है, जैसे आप जो मिरर माने उस, वो जिसको बाइसेक्ट करे जिस पॉइंट, वैसा पॉइंट जो मिरर को बाइसेक्ट करे मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल, या सिंपल सा मिरर के बीचों बीच में जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलें, द लाइन दैट ज्वाइन द That join the center of curvature and the pole is called principal axis. उसको क्या बोलते हैं, बोलिए प्रिंसिपल एक्सिस, वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा कोई लाइन आ जाए इसको प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई लाइन आ जाए इसको प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे। पोल से तो गुजर रहा है लेकिन क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, नहीं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हुआ। हाँ ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरे और पोल से भी गुजरे या इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब दूसरा लिख लीजिए पोल, है ना, पोल क्या होता है, ठीक है इसमें लिखिए इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग surface of mirror generally we considered it
जनरली वी कंसीडर्ड एज पोल इज सिचुएटेड इन मिडिल पोजिशन या मिडिल ऑफ द मिरर। देखिए पोल जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक पॉइंट होता है, और जनरली हम लोग ये मान लेते हैं जो पोल होता है ये बिल्कुल मिडिल पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है मिरर के, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा नंबर पे लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? देखिए ये जो मिरर है ये मिरर आपको किसी न किसी स्फीयर से कट करके आप लाए हैं, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या कर्व ही तो है, मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है। आप इतना पार्ट कट करके सेपरेट कर लिए, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना छोटा हो गया, ये क्या आप ये तो है पूरा स्फीयर का ही, कहीं से भी आप इतना पार्ट करके कट करके ले गए होंगे तो इसका जो रेडियस होगा वो कुछ ऐसा ही रेडियस होगा, इसका भी रेडियस कुछ ऐसा ही होगा, इसका भी रेडियस कुछ ऐसा ही होगा। आप कहीं से भी पॉइंट ले लीजिए तो रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही चीज़ होता है, आप जिस मिरर से कट करके लाए हैं इस मिरर को, जिस स्फेरिकल मिरर से आप कट करके ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाए हैं, तो उस स्फेयर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। तो उसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसमें लिख लीजिए इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट, है ना, या फ्रॉम विच मिरर इज अ पार्ट। वो उस स्फीयर का रेडियस होता है जहाँ से आप उस मिरर का एक भाग लिए हैं ना, उस मिरर को कट करके बनाए, तो वही चीज़ उसी क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर विच, लिखिए ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर विच मिरर इज अ पार्ट। ये जो मिरर है ये क्या एक पार्ट ही तो है इस स्फीयर का, अब स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा, उसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फोकस पे। किस पे? फोकस। ये फोकस क्या होता है इसको समझिए। देखिए फोकस बोलेंगे, देखिए क्या होता है, इमेज जो बनता है ना वो फोकस पे बनता है। किस पे बनता है? फोकस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे इमेज बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो फोकस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए इट इज़ द इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ द
इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस, है ना। तो इसको लिख लीजिए फोकस पॉइंट, इट इज द इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस, है ना। ऐसा पॉइंट जैसे मान लेते हैं ये कोई मिरर है, कर्व मिरर है ना, तो ऐसे कुछ रे आया इधर आके रिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसे कुछ रे आया इधर आके रिफ्लेक्ट किया, अब जहाँ पे रे मिलता है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पॉइंट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। अब नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ टर्म, इसको लिख लीजिए, है ना। फिफ्थ टर्म हम लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ। क्या पढ़ेंगे? फोकल लेंथ, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से। देखिए इमेज जहाँ पे बना वो हुआ फोकस। क्या हुआ? फोकस। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस हुआ उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। चलिए फिफ्थ नंबर में लिखिए, फिफ्थ में लिखिए फोकल लेंथ है ना। इसमें लिख लीजिए इट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल एफ से, है ना। भाई फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। फोकस किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, एक और बच गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या है, ये जो आप पार्ट कट करके लाए जिस भी स्फीयर से, है ना, तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। उस स्फीयर का क्या होगा? कुछ ना कुछ सेंटर होगा। उस सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या? कर्वेचर ही तो है। इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा, मतलब ये जो जिस स्फीयर से आप कट करके लाए हैं उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लास्ट है, लिख लीजिए इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी, है ना। इसमें लिख लीजिए इट इज दी सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर विच मिरर इज अ पार्ट। समझ आया? मैं वो जो स्फीयर का जो सेंटर होगा जिससे कि आप एक मिरर का उसका एक टुकड़ा का जो मिरर बना है, तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए ये तो क्या कुछ बेसिक टर्म, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना।
पोल क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसा लाइन जो आपको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, है ना, ऐसा जो वो जो मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, वो किसी ना किसी स्फीयर से आप कट करके लाए हैं, तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जी वो जो मिरर आपके पास, वो किसी ना किसी स्फीयर से कट करके लाए हैं, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिस पे इमेज बनता है, इसलिए उसको इमेज पॉइंट ही बोलते हैं। तो इमेज पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल क्या होता है, पोल जो होता है ना, एक पॉइंट होता है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है। जनरली हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि पोल जो होता है वो आपको मिरर के बीचों बीच होता है, मतलब बिल्कुल बाइसेक्ट करता है मिरर को वो। तो ये चीज़ हो गया। चलिए यहाँ पे बेसिक टर्म वगैरह हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म लिखा रहे हैं, हम लोग यूज करेंगे इसमें, है ना। हो सकता है आप इसके बारे में पहले नहीं जानते हो, या इलेवंथ में तो है नहीं रे ऑप्टिक्स, उससे पहले नहीं पढ़े हो, और जो टेंथ नाइन्थ में पढ़े हैं रे ऑप्टिक्स, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए कुछ कुछ टर्म हैं जो यूज करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, किससे, यू से। कहीं भी यू देखा मिल जाए तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, कहीं भी वी देखा मिल जाए तो इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इमेज डिस्टेंस की। चलिए ऐसे लिख लीजिए, ये भी टर्म ही है स्पीकर मिरर से रिलेटेड। जैसे आपको कहीं अगर यू दिख जाए, यू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको किससे इंडिकेट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कोई मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पोल और यू के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अभी बताएंगे आगे, डिस्टेंस जो होता है हमेशा पोल से मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू जो है वो है 25 सेंटीमीटर, यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये चीज़ हो गया। चलिए उसी तरह एक और मिलेगा आपको, भी क्या मिलेगा, भी इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस,